आज हम दिवाली के त्योहार में आसान तरीके से बना सके ऐसी फर्सी पूरी बनाएंगे। इसे हम कभी भी बना के स्टोर कर सकते हैं। सुबह या शाम चाय के साथ इसे नाश्ते में सर्व कर सकते हैं। इसे हम बच्चों को टिफिन में दे सकते हैं और सफर में भी ले जा सकते हैं। तो चलिए रेसिपी की शुरुआत करते हैं और बनाते हैं फर्सी पूरी। एक टीस्पून काली मिर्च ली है, इसे हम दरदरा कूट लेंगे। 2 कप मैदा लिया है, ये 250 ग्राम मैदा है। इसमें 1/4 कप बेसन डालेंगे, 25 ग्राम बेसन है। 1/4 कप बारीक सूजी डालेंगे, ये 40 ग्राम है। 2 टीस्पून जीरा डालेंगे। काली मिर्च हमने कूट के रखी है, ये डाल देंगे। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, मैंने 1.5 टीस्पून नमक लिया है। इसमें हमने 1 टीस्पून पाउडर चीनी डाल दिया है, इसे मिक्स कर लेते हैं। 1/4 कप मेल्टेड घी लिया है, इसे हम थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। इसमें हम तेल का मोंड भी ले सकते हैं, अगर घी का मोंड लेंगे तो पूरी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। बाकी बचा हुआ घी भी पूरा डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे। घी को हमें अच्छे से मिक्स करना है, मैदे का मिश्रण जो है वो ब्रेड क्रम जैसा बन जाना चाहिए, तब तक हमें घी अंदर मिक्स करते रहना है। घी को हमने एकदम अच्छे से मिक्स कर लिया है और घी का मोइन हमें इतना डालना है कि इस तरह से हम मुट्ठी में ले तो ये बाइंड होना चाहिए, उतना घी हमें अंदर डालना है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा गूंथ लेते हैं। पानी हमें एक साथ में नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे। आटा हमें एकदम हार्ड रखना है, ये बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं बनना चाहिए। आप देख सकते हैं कि आटा कितना हार्ड है। इसमें हमने 1/2 कप पानी डाल के आटा गूंथ लिया है। 100 ml जितना पानी डाला है। आटे को 2 मिनट के लिए मसल लेंगे। आटे को हम इस तरह से हमाम दस्ते से कूट सकते हैं। इस तरह से कूटने से आटा एकदम स्मूथ बन जाता है और पूरी बहुत ही अच्छी बनती है। इस तरह से आटे को 2 मिनट के लिए कूट लेते हैं। मैदा की क्वालिटी के हिसाब से पानी कम या ज़्यादा लग सकता है, तो आप उस हिसाब से पानी डाल के एकदम सख्त आटा गूंथे। लोई बनाने के लिए हाथ में थोड़ा आटा लेके इसका लंबा रोल बनाएंगे इस तरह से, और इस तरह से इसे चकले पे रखेंगे और हथेली से इस तरह से गोल गोल घुमा के लंबा रोल बना लेंगे और फिर इसकी लोई तोड़ लेते हैं। चाकू से कट करके इसकी लोई बनाएंगे, एक ही साइज़ की हम कट करेंगे। इस तरह से कट कर लेते हैं। रोल को कट कर लिया है, अभी इसे हथेली से दबा के चपटा कर लेंगे इस तरह से। लोई हमने बना ली है, अभी हम पूरी बेलेंगे। आटे के ऊपर इस तरह से ढक्कन लगा के रखेंगे ताकि आटा जो है वो ड्राई नहीं हो जाए। पूरी हमें ज़्यादा मोटी भी नहीं और ज़्यादा एकदम पतली भी नहीं बेलना है, इसे हम मीडियम साइज़ की बेलेंगे। इस तरह से हम मीडियम पतली पूरी बेलेंगे। फॉक से हम पूरी को इस तरह से प्रिक कर लेंगे ताकि पूरी जो है वो फूले नहीं। इस तरह से सभी पूरी को बेल लेते हैं। सभी पूरी को बेल के तैयार कर ली है और तेल भी हमने गरम करने के लिए रख दिया है। चेक कर लेते हैं तेल गरम हुआ है कि नहीं। थोड़ा सा आटा डाल के देखेंगे, इस तरह से धीरे से ऊपर आए, उतना ही तेल हमें गरम चाहिए। पूरी अंदर डाल देंगे और एक ही साथ में हम 5 से 6 पूरी डाल के फ्राई कर सकते हैं। लो टू मीडियम फ्लेम पे पूरी को फ्राई करेंगे।
पूरी थोड़ी फ्राई हो जाए इसके बाद इसे पलट लेंगे और उलट पलट के क्रिस्पी हो जाए तब तक इसे फ्राई करेंगे। पूरी को हम इस तरह से दबा के फ्राई करेंगे तो ये जल्दी से क्रिस्पी हो जाएगी। इस तरह से हमें दबा के फ्राई करना है। लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तभी हम इसे निकाल लेंगे। इस तरह से लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तभी हमें इसे निकाल लेना है। एकदम क्रिस्पी पूरी बनी है, आपको आवाज़ आ रही है ना। इस तरह से सभी पूरी को फ्राई कर लेते हैं। पूरी को हम तेज़ आंच पे बिल्कुल भी फ्राई नहीं करेंगे, नहीं तो ये अंदर से कच्ची रह जाएगी और ऊपर से लाल हो जाएगी। मठरी को हमने फ्राई कर लिया है। मठरी का आटा हम जितना हार्ड रखेंगे उतनी ही मठरी एकदम क्रिस्पी और खस्ता बनेगी। मठरी को हमें रूम टेम्परेचर पे आ जाए तब तक ठंडा कर लेना है और एयर टाइट कंटेनर में भर के इसे एक महीना तक स्टोर कर सकते हैं। रेसिपी आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।